अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू studyhigh.pk एंड सब्सक्राइब कीप इन कॉन्टैक्ट फॉर मोर वीडियोस लेक्चर्स etc। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की एक और चवल की, यू टर्न की, जो मर्जी कह सकते हैं आप। जैसा कि कल पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एक नोटिस अपडेट किया था कि जो सिंध गवर्नमेंट है जो कि अपना MD CAT 18 अक्टूबर को ले रहे हैं, वो अपना MD CAT सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए ले सकते हैं। इस सूरत में कि जो मेडिकल कॉलेज का क्राइटेरिया एडमिशन पॉलिसी है वो सिंध वाले अनाउंस करें। इसके अलावा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने अपनी साइड से वो नोटिस रिमूव कर दिया। अब उसके ऊपर क्लिक करने के बाद कोई भी नोटिस हमें नहीं मिलता। जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने अभी भी 18 अक्टूबर को अपना MD CAT लेने का इरादा किया हुआ है और उन्होंने तुलबा की रोल नंबर स्लिप्स भी अपडेट कर दी हैं। जिन तुलबा ने अप्लाई किया था वो उनकी वेबसाइट के ऊपर जाकर अपने रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। अफसोस की बात है कि MD CAT को अभी तक मजाक बनाया हुआ है, अपने रजिस्ट्रेशन टेस्ट डेट अभी तक अनाउंस नहीं की, जैसा कि इन्होंने कहा था कि 1 वीक के अंदर अनाउंस कर देंगे। और अगर इन्होंने कोई नोटिस अपडेट करना भी है तो ऐसा करें कि सिंध MD CAT कैंसिल है, हम अपना MD CAT लेने वाले हैं, इस तरह का नोटिस अपडेट करें। ऐसा नोटिस अपलोड करते हैं कि तुलबा कन्फ्यूज में रहें कि सिंध MD CAT दें या ना दें, और इस तरह के कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि तुलबा समझ नहीं पाते क्या सिंध वाले अपना MD CAT 18 को लेंगे या नहीं लेंगे। इसके अलावा ये करते हैं कि 2 दिन बाद फिर वही नोटिस रिमूव भी कर देते हैं। दोस्तों, आप पहले भी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रामाज अबाउट MD CAT 2020 देख चुके हैं, ये एक और सही। होप यू बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।